स्मार्ट सिटी बरेली में आज से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई है और इस वक्त एक बस आई हुई है जो नगर निगम ऑफिस के बाहर है। और अब हम इस बस का नज़ारा दिखाते हैं, इस बस के अंदर चढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस बस की आखिर क्या खूबियाँ हैं। ये बस है और यहाँ पर इसके जो ड्राइवर हैं उनसे बात करेंगे। भैया, ये क्या नाम है आपका? प्रताप बाबू मौर्य। इस बस की खूबियों के बारे में बताइए। क्या ये बस 150 से 130 किलोमीटर चलती है चार्ज होने के बाद, एक घंटे में चार्ज होती है। अच्छा, और क्या खूबी है इस बस की? फुल एसी है। अच्छा, तो कैमरे भी 5-5 कैमरे हैं सर। बाकी जीपीएस भी लगा है? जीपीएस भी लगा है, सेंसर भी लगा है। गेट, अगर गाड़ी चलते रहेगी तो गेट नहीं खुलेगा, गाड़ी खड़े रहेगी तभी गेट खुलेगा, तभी बंद होगा। जी, तो स्मार्ट सिटी बरेली में अब स्मार्ट बसें चलना शुरू हो गई हैं और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? ये बरेली का सौभाग्य, आज पहली बार नववर्ष 2022 दिनांक 4-5 तारीख के आसपास जो माननीय योगी जी ने इस शहर को ये बस जो दी है, इससे बरेली की जनता बड़ी प्रभावित और खुश है। जो हमें टेम्पो का इंतजार करना पड़ता था, 40-40 रुपये सवारी लेता था, आज हम 15 या 10 रुपये में हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि बरेली के लिए मानते हैं इसे? देखिए, ये तो मतलब जब पूर्णतया जब बस का संचालन सब रूटों पर चालू हो जाएगा उसके बाद ही हम उसके निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। मगर जो आज की स्थिति में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बस सेवा जनता के लिए प्रोवाइड कराई है, वो मैं समझता हूँ बहुत जनता को राहत का प्रदान करने का कार्य करेगी। और ये जो पेट्रोल बचाने का और प्रदूषण का भी बचाने का कार्य इन बसों के माध्यम से, प्रदूषण नहीं होगा इस बस से, सबसे बड़ी बात ये है प्रदूषण मुक्त होगा। और दूसरा ये है, गरीब लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, सस्ते में वो लोग कहीं भी आ जा सकेंगे। वैसा आपसे जानना चाहेंगे, प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और अब जब इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो रही हैं तो कितनी बड़ी उपलब्धि बरेली को मानते हैं? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बरेली में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और जो ये बसें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली को दी है, इससे प्रदूषण में तो मिलेगा ही मिलेगा। और जनता को धूप छाव पानी से, और सबसे बड़ी इस बस की खासियत अभी पता लगी है कि अगर ये ओवरलोड होगी तो ये गाड़ी चलेगी ही नहीं, ये भी एक फीचर इसका है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छी सौगात बरेली वालों को मिली है। बरेली वालों के लिए बड़ी सौगात है ये, सबसे बड़ी जो सौगात है, जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ई रिक्शा ने सबसे ज़्यादा बरेली के अंदर जाम की स्थिति बना रखी है। और जब ये बस चलेगी तो इसमें 50 सवारी या 40 सवारी चलेंगी, तो शहर के अंदर जितनी ई रिक्शा हैं या टेम्पो हैं, जो आपके कनेक्टिविटी है, वो उस कनेक्टिविटी में जो सड़कों पर हमारे वाहन ज़्यादा हैं उनकी भी कमी हो जाएगी। और तो देखा आपने, आप बस के अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं, इस बस की शुरुआत आज बरेली में हो रही है। इसी तरीके की करीब 25 बसें बरेली में चलने वाली हैं। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।